वैसे तो कोरोना का प्रकोप पूरे देश में ही है और पूरे देश में मामले लगातार बढ़ रहे हैं और कोरोना के मामले 50,000 से ऊपर हो चले हैं। लेकिन एक ऐसा राज्य है जहाँ की सरकार की ढीलेपन की वजह से वहाँ पर न जाने कितने कोरोना केस है, इस बात की के बारे में कोई सही जानकारी भी नहीं है। और यह राज्य है हमेशा ही सुर्खियों में रहने वाला, पश्चिम बंगाल। दरअसल में पश्चिम बंगाल में जो टेस्टिंग है वो काफ़ी धीमे स्तर पर हो रही है और एक दिन में सिर्फ 2 से 2,500 लोगों की टेस्टिंग की जा रही है, जहाँ पूरे देश में 15 लाख लोगों की टेस्टिंग हो गई है। ऐसे में पश्चिम बंगाल सरकार ने अभी तक 40,000 टेस्टिंग भी पूरी नहीं की है और पश्चिम बंगाल में टेस्ट करने के बाद जो पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा आ रहा है वो भी 5% के आसपास आ रहा है। और अब जब रमज़ान का महीना चल रहा है, रोजे चल रहे हैं, पश्चिम बंगाल की उस वक्त काफ़ी ज़्यादा पूरे देश में क्रिटिसिज्म हो रहा है और ऐसी वीडियोज़ निकल निकल के आ रही हैं जहाँ पर लोग झुंड बनाकर मार्केटों में शाम के वक्त घूमते नजर आते हैं। इसके अलावा मस्जिदों में ग्रुप में नमाज़ पढ़ते नजर आते हैं, जबकि पूरे देश में साफ साफ बैन लगा हुआ है इस चीज पर और सरकार ने साफ कर दिया है कि कोई भी धर्म देश से पहले नहीं है। लेकिन इसके बावजूद पश्चिम बंगाल में एक धर्म को देश के ऊपर तरजीह दी जा रही है, देश के लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर एक धर्म को तरजीह दी जा रही है और उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं की जा रही। अगर कोई इक्का दुक्का पुलिस वाला ईमानदारी दिखाते हुए रोक टोक करने की कोशिश करता है तो उनका क्या हाल होता है, इस तरह की वीडियो पहले ही आ चुकी। और खास करके मालदा और मुर्शिदाबाद में इस तरह की वीडियो आई थी अभी कुछ दिनों पहले कि पुलिस वाले को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा था क्योंकि उन्होंने कहा था कि लोग जमा मत होएं, लोग एक तरफ हो जाएं। लेकिन लोगों का कहना था कि वो तो अपने रोजों के लिए खरीदारी करेंगे, कोरोना आता है तो आ जाए, कोरोना पूरे शहर में फैलता है फैल जाए, पूरे पश्चिम बंगाल में फैलता है तो फैल जाए। केंद्र सरकार को इस वक्त यूं करना चाहिए कि पश्चिम बंगाल को पूरे देश से कट कर देना चाहिए, ना ही पश्चिम बंगाल से कोई अंदर आ सके, ना ही पश्चिम बंगाल से कोई बाहर जा चुके, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार ने तो फैसला कर लिया है कि वो कड़ा रुख अपनाएंगे नहीं और जैसे हो रहा है वैसे होते हुए देखते रहेंगे, ना ही वो ज़्यादा टेस्टिंग करेंगे। और तो और वो इस तरह के रिलीजियस गैदरिंग को भी पश्चिम बंगाल की सरकार नहीं रोक पाई। सिर्फ पश्चिम बंगाल सरकार ही एकमात्र ऐसी सरकार है जो रिलीजियस गैदरिंग को रोकने में विफल रही है, मई के महीने में भी। खास करके अप्रैल महीने में तो हमें बहुत सी रिलीजियस गैदरिंग देखने को मिली थी, लेकिन मई के महीने में भी रिलीजियस गैदरिंग हो रही है जब केस 50,000 छू चुके हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हैरानी करने वाली बात है और काफ़ी ज़्यादा चिंता की भी बात है। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और मनोरंजन की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।